ఇక లక్ష్యం వెంట పరుగులు వద్దు. మీకు నచ్చినట్టు నమ్మకంతో ప్రయత్నించండి. మీరు చేసుకోవాల్సిన లక్ష్యం మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ అదే వస్తుంది. ఒకే దిశగా ఆలోచిస్తే పరిష్కారం దొరకదు. దీనికోసం ఆలోచన శక్తిని పెంపొందించుకుంటే ఫలితం మీకే తెలుస్తుంది. మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకునే ముందు సక్సెస్ స్టోరీని చూద్దాం. నమస్కార్, మే కుసుమ్ శర్మ. మే కలకత్తా మే పలి బడి హూ ఔర్ వహీ సే మేరీ పూరి అకాడమిక్ పఢాయి హుయీ హై. మే గ్రాజ్యుయేట్ హూ. ఉస్కే బాద్ మేనే ఏక్ షౌక్ కే తౌర్ పర్ సిలాయీ సీఖా. సీఖనే కే బాద్ ముజే మే హైదరాబాద్ జబ్ ఆయి తో యహాన్ పే ముజే నిఫ్ట్ మే ఔర్ ఎస్ఐఎస్ఐ కే ఏక్ ప్రోగ్రామ్ మే ఈడీపీ ప్రోగ్రామ్ మే ముజే పఢనే కా మౌకా మిలా. ये पढ़ाई कर लेने के बाद मुझे लगा कि मुझे ये करियर के लिए लेना चाहिए. तो सिलाई स्कूल मेरे लिए एक सपना था जो कि पूरा हुआ. मैंने कुछ महिलाओं को देखा कि वो कुछ सिलाई सीख करके कुछ घर में फाइनेंशियल कुछ सेटअप करना चाहती हैं, तो उनको मैंने थोड़ी सी मदद करने से शुरुआत की थी. तो इस तरह से शुरुआत करते करते धीरे धीरे फिर कुछ और लोग जुड़ने लगे. జుడతే జుడతే మే ఆజ్ 14 సాల్ సే యే సిలాయి స్కూల్ చలా రహీ హూ. యే సిలాయి స్కూల్ ఏక్ కమర్షియల్ తరీకే సే శురూ నహీ హువా థా. యే ఘర్ మే ఏక్ బహుత్ ఛోటే రూప్ మే మేనే శురూ కియా థా. తో యే ఏక్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ కీ థోడీ సీ ప్రాబ్లమ్ థీ పెహలే. తో లోగో నే హీ ఓరల్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ కే త్రూ యే జో హై సిలసిలా శురూ హువా. और इस तरह से करते करते मुझे लगा कि कुछ और इसके बारे में जानकारी और ज़्यादा मुझे इकट्ठी करनी चाहिए. तो मैंने अपडेट अपने आप को करना शुरू किया. तो नए जो लेटेस्ट डिज़ाइंस है, लेटेस्ट तरीके से किस तरह से महिलाएं सीखें, तरह तरह के नेक डिज़ाइंस लोगों को करना कैसे आना चाहिए, तरह तरह के स्लीव्स है, तरह तरह के बच्चों के कपड़े, और इन सब चीज़ों को करते करते जो एक अनुभव भी मुझे मिलने लगा. और अल्ट्रेशन, जैसे नए रेडीमेड कपड़े खरीद के लाते हैं तो वो बराबर फिट नहीं आते हैं, तो उन लोगों ने अपने नाप से अपने कपड़े बनाने शुरू किए, उनको डिस्प्ले करना शुरू किया. फिर हमने इस तरह से इसको धीरे 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 हमने उषा स्विमिंग स्कूल को बढ़ावा मिला. मेरे पास बहुत तरह की लड़कियां जो कॉलेज पूरा करके करियर बनाना चाहती हैं वो आती हैं सीखने के लिए, या फिर हाउसवाइफ्स आती हैं सीखने के लिए, जो कि कई लोग होती हैं बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं. तो मैंने एक आसान कुछ मेथड्स अपने आप से बनाए हैं जो कि उनको समझने के लिए आसान होता है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि प्रैक्टिकल जो सिखाया जाता है वो ज़्यादा लोगों को आसानी से समझ में आता है. ये जो डिज़ाइंस वो स्टूडेंट्स लेकर आते हैं, तो हमारे पास एक मेथड होता है जो ड्राफ्टिंग करने का. जैसे हम एक खाका तैयार करते हैं, जैसे एक प्लॉट पे किस तरह से क्या आना चाहिए, तो वो जो तरीका होता है उस पर हम पहले पूरी तरह बहुत आसान तरीका मैंने बनाया हुआ है उसके लिए. तो ड्राफ्टिंग जब आसान हो जाती है, समझ में आ जाती है, तो हम सारी डिज़ाइनों को उन पर बेसिक चीज़ का एक ड्राफ्टिंग बनाकर उस पर हम डिज़ाइन सारे बिठा सकते हैं. तो ये जो तरीका हमने निकाला हुआ है ये सबके लिए बहुत आसान हो जाता है समझना करना. और सबसे बड़ी मेरी उपलब्धि है कि स्टूडेंट उस चीज़ को कर पाते हैं. उसको जब ड्रेस कंप्लीट होती है, जब वो चीज़ पूरी तरह से तैयार हो जाती है, तब फिर उनके लिए जो खुशी होती है वही मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है, सबसे बड़ी खुशी है. फिर हमने यहाँ पे अपने क्लास में ही स्टूडेंट्स का ही एक एग्जीबिशन लगाना शुरू किया. स्टूडेंट एक दूसरे की ही बनाई हुई चीज़ें खरीदने लगे. इस तरह से लोगों को बहुत इंस्पिरेशन मिला, बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा इसका कि और लोग जुड़ने लगे. तो आज मैं जो है एनी टाइम मेरे पास कम से कम 12 से 15 स्टूडेंट होते हैं, और सब एक अपना करियर बनाने के लिए भी एक ये लेकर आते हैं. सिर्फ शौक के लिए नहीं रहा अब ये,
क्योंकि शौक के लिए तो हम जो डिज़ाइंस देखते हैं वो बाज़ारों में देखते हैं वो बनाते हैं, लेकिन बना करके उसको दूसरों को देना या दूसरों को सेटिस्फाई करना कि हम आपको बना के देंगे, आपको क्या चाहिए वो, तो हम दूसरों के डिज़ाइन को स्टूडेंट्स इतने कॉन्फिडेंस के साथ में बनाना, जैसा वो चाह रहे हैं वैसा आप बना के दीजिए। पहले तो आप जैसा खुद चाह रहे हैं वैसा बनाइए, फिर आपके कस्टमर कैसा चाहते हैं वैसा आप बना के दे रहे हैं। तो आज नए नए तरीके की मशीनें आ गई हैं, एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं मशीनों पे, तो इससे क्या होता है कि जो करियर के रूप में सिलाई को लेना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत फ़ायदा हो रहा है। मैं सभी महिलाओं से ये कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि वे बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हों, बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हों और तब वो घर से बाहर निकल करके नौकरी करें तो ही उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। नहीं, आप घर में बैठ करके भी बहुत सारे एक काम हैं जिसमें से सिलाई एक काम है। सिलाई एक ऐसा काम है जिसको आप घर संभालते हुए भी कर सकते हैं। आप घर में बैठ करके एक मशीन ले करके आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के थ्रू, जैसे आप कुछ शुरू करते हैं तो जैसे मेरे घर में मेरे पति, मेरे बच्चों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ और आपसे बात कर रही हूँ। तो इसी तरह का जो सपोर्ट है आपके घर परिवार में भी आपको मिलता है, तो आप घर से ही शुरुआत कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप घर भी संभाल सकते हैं। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि आपको एक फाइनेंशियली तो आप स्ट्रांग होते ही हैं, आपका सेल्फ सेटिस्फैक्शन जो होता है वो बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। आपको एक अपने आप से जो खुशी मिलती है वो बहुत ज़रूरी है और ये होना चाहिए। मैं समझती हूँ सभी महिलाओं को इसके लिए आगे आना चाहिए। ఇది ఇవాల్టి నవ్య కార్యక్రమం. మరో బ్యూటిఫుల్ ఎపిసోడ్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. నమస్తే. ఈ కార్యక్రమాన్ని www.youtube.com/vanitatv ఛానల్లో చూడండి.